सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाड़ी बबल कौर। दोस्तों, अज अपनी जिंदगी दे कुछ खास पल मैं थोड़े नाल सांझे करन लगी हाँ कि जिंदगी च किवें सफर की शुरुआत हुई, जिहड़ा आर्टिस्ट लाइन का हैगा, तो सब तो पहला सन्मान चिन्ह किहड़ा मिलिया सी, ते इन्हां सन्मान चिन्हां दे नाल तुसीं मैनूं देख रहे हो है ना, काफ़ी सारे पए ने। खैर, इस तों ज़्यादा हाले मेरे पुराने घर च पए ने, ते ये कुछ मैं तुहाड़े नाल सांझे करन लगी हाँ, ते कुछ खास मेरिया जिहड़ियां यादां जुड़ियां होईयां ने वह भी थोड़े नाल डिस्कस करन लगी हाँ। कहिंदे जे बंदे नूं जिंदगी च कुछ हासिल करना तां उहदे लई बड़ी मेहनत करनी पैंदी आ। असीं किसे वी मंजिल तक पहुँचना अनथक मेहनत उस लई करनी पैंदी आ। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि तुसीं इन्नी क मेहनत करो कि एक दिन वह मुकाम वह मंजिल थानूं मिलन लई मजबूर हो जाए, जां जो तुसीं एक दिल च धारी हुई हुंदी आ है ना कि मैं उस मंजिल तक पहुँचना, वह थोनू अपने आप मिले, तो लोग थोनू प्यार करन, उस लई बहुत मेहनत करनी पैंदी आ। ते अज मैं अपने सफर की शुरुआत थोनू दसदी हाँ कि जिंदगी च मैनू सब तो पहला किहड़ा सन्मान चिन्ह मिलिया, तो मेरिया इन्हां नाल की यादां जुड़िया हुई ने, कुछ खास पल मैं थोड़े नाल शेयर करांगी। तो प्लीज़ तुसीं इह वीडियो जरूर शेयर करियो, क्योंकि ये जिहड़ा मेरा वीडियो हैगा एक मोटिवेशनल वीडियो है, एक काफ़ी लोगों की जिंदगी की कहानी हो सकती है जिहड़ी मैं थोड़े नाल शेयर कर लगी हाँ। तो काफ़ी जिहड़े मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी देख रहे हैं जिथे जिथे मेरी वीडियो जाऊगी, तो काफ़ी जिहड़े मैं कह सकती हूँ यूथ है चाहे बच्चे ने इस वीडियो में देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो अपने मंजिल पर पहुँचने लिए मेहनत करनी भी शुरू कर सकते हैं। ये मैनू पूरा यकीन है जिहड़ा ये वीडियो पूरी देखूगा। तो आओ मैं तुहानू दसदी हाँ कि मैनू जिंदगी पहला सन्मान किहड़ा मिलिया, तो उस टाइम मेरी एज की सी, जां मैं किहड़ी क्लास च पढ़दी सी, बहुत छोटी जी। इस तों तकरीबन मैं इस सफर की शुरुआत की हुई आ, तकरीबन मैं आई थिंक 13 साल की होंगी है ना, 12-13 या बस इन्ने के विच ही होंगी, हद 14 भी नहीं हो सकती, मैं लगता 13 साल के विच सब तो पहला मैनू ए वाला सन्मान चिन्ह मिलिया सी। ये तुसी देख रहे हो, ये मेरी लाइफ का पहला सन्मान चिन्ह है जिहड़ा मैनू मिलिया सीगा। ते उस तो बाद एक एक करके मैनू काफ़ी सारे सन्मान चिन्ह मिले ने, तो उत्थों मैनू बड़ा हौसला मिलिया अगे वधन लई है ना। तो जिहड़े मेरी वीडियो देख रहे ने उन्हां मैं एक गल कहना चाहवांगी कि तुसी मेहनत करते रहो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये जिहड़ा सन्मान चिन्ह मैं थोनों दिखा रही हाँ, ये मैं सब तो पहला अपने गुरु घर च हाजरी लगवाई सी, मैनू उत्थों मिलिया सी, ते इस दे नाल मैनू बहुत ज़्यादा अगे वधन लई सपोर्ट मिली आ, ये बहुत इंपोर्टेंट है मेरे लिए। तो उस तो बाद फिर एक एक करके सारे जिन्हें भी सन्मान चिन्ह ने ये मैनू मिले ने मैं थोनों दिखा रही हाँ, कुछ मैं खास यादगार पल थोड़े नाल सांझे कर रही हाँ। जिवें कि हुण मैं गल करा, ये जिहड़ा सन्मान चिन्ह हैगा ये मैनू मिलिया 2013 दे विच मिलिया हुआ, संस्कृतिक समारोह विशेष सन्मान चंडीगढ़ है ना, अपने टैगोर थिएटर तो। तो इस दे नाल मेरी खास याद जुड़ी हुई आ, तकरीबन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला सीगा, मैनू चंगी तरह याद है मेरे को एक फिरोजी जे कलर का सूट पाना सी मैं इस प्रोग्राम दे विच, ते जदों प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला सी तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा पहला मैं वह ड्रैस प्रेस कर लगी, अचानक तो मेरी ड्रैस सड़ गई, तो मेरे को उस दिन सूट भी एको ही सीगा। तो मैं कहा हुण तां प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला, हुण की करा, फिर मैं फटाफट गड्डी चुकी तो चंडीगढ़ मार्केट के विच गई, मैं रेडीमेड एक ड्रैस बाय की, फटाफट उतों ही स्टिचिंग उहदी फिटिंग कराई अपने नाप की, तो मैं फटाफट तैयार होकर फिर वह ड्रैस के विच प्रोग्राम किया। मैनू अज भी याद है मैं पिंक कलर की ड्रैस खरीदी सी, तो फिर मैं वह प्रोग्राम करके आई सी, तो इस नाल मेरी याद जुड़ी हुई है। मैं जो भी इन्हों देख रही हाँ मैनू ही वह याद आ जाती है कि उस दिन मेरी ड्रैस सड़ गई सी है ना। बाकी होर मैं गल करा, जिवें आ जिहड़े सन्मान ने ए इंटरनेशनल पंजाबी कल्चर एसोसीएशन वालों मैनू मिलिया हुआ, सो ये सारिया ने मैनू बहुत ज़्यादा मान दिता बुला के है ना, मेरे शोज़ वगैरह होंगे ने जिवें तुसी देख दे हो, मैं पाती भी रहनी हूँ वीडियो। खैर, वीडियो मैं हुण थोड़े टाइम तो पा लगी हाँ, पहला ये जिहड़ियां इन्नियां ट्रॉफियां मिली ने जो भी आ, इन्ना मतलब
मैं चैनल्स ते पाउंदी नहीं सी कुछ, ये मैं थोड़े टाइम तो ही थोनू पता ज़्यादा वीडियो पाउन लगी हाँ। तो ये चीज़ा मैं थोड़े नाल सांझियां कर रही हाँ क्योंकि जिहड़े मेरे दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरियां शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, वो मैनू फिल्मां ते देखते हैं कई लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा फेमस हाँ जिहड़ी, वो मैनू लगता जदों मैं फिल्मां चाहिया उदों ज़्यादा मेरियां वीडियो वायरल होने लगियां ने। उन्होंने ऐ लगता कि शायद बब्बल कौर एक जस्ट शॉर्ट फिल्म्स बनाउंदी आ, है ना, कि सिर्फ शायद इहदियां फिल्मां ने जिहड़े मैनू मेरे दोस्त देखते हैं, पर जिहड़े मेरी बाकी वीडियोज़ देखते उन्होंने पता है, बट नहीं बब्बल कौर है जिहड़ी वो सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनाउंदी, ते मेरा टारगेट भी शॉर्ट फिल्म्स दा नहीं हैगा। ये मैं गल बिल्कुल थोनू क्लीयर दस दी हां, मैं एक बहुत वड्डा विजन लैके काम कर रही हाँ, एक मेरा बहुत वड्डा टारगेट है, बहुत वड्डी अचीवमेंट ते मंजिल ते मैं पहुँचना चाहनी हाँ, वो भी थोड़ी सपोर्ट के नाल। मैनू पता तुसी मैनू बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, लेकिन तुसी मैनू जिन्होंने शॉर्ट फिल्मां च देखिया मैं सिर्फ जस्ट उत्थे तक नहीं हैगी, ते आ जिहड़ा हुण मेरा सम्मान हैगा ये तुसी देख सकते हो, विनर कोजेनूर मिस इंडिया पंजाबन, ये खिताब मैनू मिस इंडिया पंजाबन के नाम पर मिलया हुआ, मैं ये विनर हाँ। आ पिछे मैं बैनर भी लगाया हुआ शैशे, विनर तुसी देख सकते हो, मिस इंडिया पंजाबन की मैं विनर रही हाँ, ये मैनू ताज मिलिया सी। तो जो कुछ भी मैनू मिले दोस्तों मैं थोनों ये दसना चाहनी हाँ कि यह मैनू सिर्फ पंजाबी माँ बोली करके, पंजाबी पहरावे करके, तो पंजाबीयत करके, क्योंकि मैं पंजाब के कल्चर नू बहुत ज़्यादा प्यार करनी हाँ, है ना, इस करके मैनू ये काफ़ी सारे सम्मान मिले हुए हैं। तो बाकी एक गल मैं थोनों होर दस देना चाहनी हाँ, बिकॉज असी आर्टिस्ट हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हाँ, है ना, कुछ मेरे दोस्त ने मैनू होर ड्रैसा च भी दिखना चाहते हैं, इस करके असी मैं ड्रैस हर तरह की वीयर करती हाँ। तुसी कहोगे मैडम ने कई होर कपड़े भी पाए होंगे ने कि पंजाबी कल्चर की गल कर रहे हैं, सो एक असी आर्टिस्ट हाँ दोस्तों, है ना, जो असी एक आर्टिस्ट लाइन के आ जाते हैं सानू बहुत कुछ अपनी पब्लिक लिए भी करना पैंदा, तो ये भी सारे मैंने जो सम्मान ने यह मैं ये तो मिले हुआ, आ जिहड़ा मैं शैशी लगाया हुआ पिछे, तो तुसी देख ही रहे हो। बाकी इन्हां नाल मेरी सारे नाल यादां जुड़ियां ने, ये भी मैनू एक्सीलेंट हसदे रहो दोस्तों अवार्ड ऑफ ऑनर फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है जिहड़ी मेरी, उहदा अवार्ड मिलिया हुआ, इहदी डेट इत्थे होएगी, ये भी 2013 दे विच मिलिया हुआ। सो मैं एक थोनू गल दस दिंदी हाँ कि मैं काफ़ी साल तो मेहनत करती आ रही हाँ, काफ़ी साल तो कि मैं बचपन तो ही मेहनत करती आ रही हाँ, तो अज मैनू तुसी सारे हुण इन्ना प्यार दे रहे हो। दोस्तों स्टार कोई एक दिन च नहीं बंदा बन सकता, उहदे लई काफ़ी सालों की मेहनत हुंदी आ बंदे दी। मेरे इन्हां दे पिछे आ जिहड़ी मैं थोनू ट्रॉफीज़ दिखा रही हाँ, इन्हां दे पिछे मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जुड़ी हुई है, क्योंकि कई लोगों को लगता कि असी एक दिन च इन्ने फेमस हो गए हाँ, पर इदा नहीं हुंदा। हुण इह जिहड़ा सम्मान है, जे मैं इहदी गल करां, ये मैनू पंजाबी माँ बोली अते पंजाबी विरसे नू जागर करते रवायती नाच मुकाबले मिति 20 दसंबर 2019 नू मिलिया हुआ, तो यह मेरा विशेष सम्मान होया इत्थे सुरताल क्लब एंड प्रेस क्लब वालों रायकोट वालों, ये मैनू उत्थों सम्मान किया गया, तो इतने मैं जजमेंट भी की सी। बाकी होर भी जिन्हें तुसी ये देख रहे हो सारे अवार्ड जिन्हें भी मिले हुए ने, तो आ मैनू हुणी लेटेस्ट ही मिलिया, ये धन धन बाबा रोडू जी की याद में सलाना मेला होंदा जिहड़ा, ये मैं उत्थे करके आई हाँ प्रोग्राम, बब्बल कौर विशेष सम्मान तुसी देख सकते हो, है ना। खैर पहला मैं वीडियो ज़्यादा नहीं सी पाउंदी, पर हुण पाउण लगी आ, हुण तां तुसी मैनू देखते ही रहते हो। हुण जे मैं ये सम्मान की गल करा, ये मैनू 2018 दे विच मिलिया सीगा, ये तुसी देख सकते हो, शहीदां नू प्रणाम, ते ये मिले मैं 2018 दे विच शहीद भगत सिंह नाटक मेला पिंड चल एंड अमरगढ़, चल ते अमरगढ़, ये उत्थे मेरा प्रोग्राम सीगा जी, उत्थे मैनू विशेष सम्मान किया गया। तो इस तों बिना होर जिहड़े तुसी देख रहे हो, आ मैनू तियां दे मेले ते सम्मान मिले हुए ने, क्योंकि मैं आपके कल्चर के नाल जुड़ी हुई हाँ। बाकी ये तुसी भी जिहड़े देख रहे हो, इन्हां दी सारे दी अपनी अपनी इंपोर्टेंस है, तो ये भी मैनू सम्मान किया गया। उपर तुसी देख रहे हो कनकां दी लोरी, ये तुसी देखी सी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई सी, है ना,
ਨਹੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਬੱਬਲ ਕੌਰ 1,00,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਬਟਨ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਰ ਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਬਦਬੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਫਲੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਪ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਬੱਬਲ ਕੌਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਭੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ 2012 ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2012 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਖੜ ਕੇ ਆਪੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ
मैं ये कह सकती हाँ है ना गरीबी की गल करिए जे कि ये जो प्राइस देख रहे हो ना जो प्राइस मिलते सी घर च प्राइस रखने भी जगह नहीं सी तो अद्ते ही सपोर्ट करते रहना सारे ने ये थोड़ी मेहनत आ सारी जेना मैं इन्ना हौसला देंगे हो ना तो हौसला ही मैं अगे लैके चलता बस होर कुछ नहीं चाहिए अपन तो वीडियो मेरी शेयर कर दिया करो लाइक कर दिया करो कमेंट कर दिया करो दोस्तों तो सबसक्राइब कर लियो चैनल जिन्होंने नहीं किया वधिया वधिया कैंट कैंट वीडियोज़ गल्लां बातां मोटिवेशनल वीडियो मैं थोड़े लिए लैके आती रहनी हाँ जो भी मैं टाइम मिलता है ना जिन्ना कोई मिलता है जो मैं कर सकती हूँ मैं करती हाँ बाकी थैंक यू सो मच तुसी वीडियो देखिया प्यार दिता टाइम दिता सत श्री अकाल मैं थोड़ी बबल कौर।